सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बना रही हूँ मैं ये मीठे वाले पीले चावल, जो बसंत पंचमी पे हम पंजाबी लोग तो जरूर बनाते हैं। तो उसके लिए लिए है मैंने एक गिलास चावल, और चावल मैंने वही लिए हैं नॉर्मली जो घर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बासमती राइस लिया है, गोल्डन सिल्वर चावल वगैरह मैं यूज नहीं कर रही हूँ। तो पहले इन चावलों को अच्छे से दो तीन पानी से हम धो लेंगे। ये चावल मैंने धो लिए हैं। आज मैं आपके साथ बिल्कुल पुरानी वाली सादी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ भी इसमें इंस्टेंट नहीं है और बहुत देर वैसे भी नहीं लगती इनको बनाने में। तो ये चावल हम बनाएंगे, आज बसंत है तो येलो कलर मैं यूज करूंगी, फूड वाला ये वाला। और आप चाहें तो इसको ये वाला केसरिया कलर से भी बना सकते हैं। और इधर एक बर्तन में मैंने ये पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए। जितने चावल आप लें उसके हिसाब से पानी ले लीजिए। और उस पानी में मैं ये डाल रही हूँ येलो कलर, क्योंकि चावल हम इसमें बॉईल करेंगे तो चावल पे हमारा बहुत ही अच्छा सा येलो कलर आ जाएगा। कलर इसमें मैंने इतना इतना करके दो बार डाला है, क्योंकि एक बार से मुझे थोड़ा कम लग रहा था, और क्योंकि हमने ये चावल बॉईल करके पानी ड्रेन कर देना है तो एक्स्ट्रा वाला पूरा कलर निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डार्क डालेंगे तभी चावल पे अच्छा कलर आएगा। पानी खौलने लगा है तो ये चावल हम अपने इसके अंदर डाल देंगे। और चावल को अब इसी पानी के अंदर हम 70-80% तक गलाना है। चावल को आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे, पूरी तरह से चावल हमारा नहीं गलना चाहिए। अब ये लगभग 5 मिनट हो गए हैं मुझे चावल को पकाते हुए, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए चावल किस तरह से हम दबा रहे हैं, ये आपको दाना दिख रहा है, अब इसमें कुछ कुछ दाना है। तो अब मैं चावल बंद कर दूंगी। ये मेरे 70-80% चावल हमने पका लिए हैं। और ये चावल को उठा के हम इस तरह से एक छन्नी में डाल देंगे, उसका पानी ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए चावल पूरी तरह से पका नहीं है, अभी अंदर से थोड़ा कच्चा है चावल, ऐसा ही हमें चाहिए। अब ले लेंगे हम एक भारी तले का बर्तन, और इसमें मैं डाल ली हूँ लगभग एक कड़छी भर के घी। घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब घी गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी ये 4 लौंग। मैं इसमें सिर्फ लौंग का फ्लेवर देने वाली हूँ, जो सादा पुरानी रेसिपी है उसमें ये लौंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं इलायची केसर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। लौंग पक रहा है तो उसमें मैं साथ ही डालूंगी ये बादाम, किशमिश, लौंग और लौंग नहीं सॉरी काजू, और ये ड्राई वाला कोकोनट है। ये सारी चीजें ऑप्शनल हैं, अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी चीज हटा सकते हैं इसमें से। और लौंग के साथ ही ये सब भी मैं इसमें डाल दूंगी घी में। हल्का सा ड्राई फ्रूट वगैरह भून जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल जरा सा ही पकाएंगे हम, ज्यादा नहीं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा गिलास भर के चीनी। एक गिलास मैंने चावल लिए थे और उससे बिल्कुल आधी मैंने चीनी ली है। और चीनी के साथ ही 1/4 गिलास में इसमें पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीजों को। और अब ये एक चाशनी सी तैयार हो गई है तो उसमें हम अपने चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसको। और बस अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से प्रेस करके बिठा देंगे सारे चावल को। और अब इसको बस हमें दम देना है, ढक देंगे और फ्लेम एकदम हल्की कर देंगे और इसे पकाएंगे। अब इसी चाशनी में वो जो चावल हल्का कच्चा था वो पूरी तरह से पक जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा और बस हमारे मीठे चावल तैयार हो जाएंगे। अभी इसको मैं दे रही हूँ दम। अभी 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम कर दी है बंद। हम चावल को हल्का सा चेक कर लेते हैं। चावल इस तरह से हम फिर से दबा के चेक कर लेंगे। ये देखिए अब चावल बिल्कुल अच्छे से पक चुका है हमारा। तो इसको चाहें तो अभी टाइम हो तो आप 5 मिनट ऐसे फ्लेम बंद पे छोड़ दीजिए इसको ढक के।
और ये हो गए हमारे पीले पीले चावल बसंत पंचमी स्पेशल। चीनी इसमें मैंने चावल से हाफ डाली है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो चीनी आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये हाफ चीनी के साथ बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, ना तो फीके लगेंगे खाने में और ना ही बहुत ज्यादा मीठा होगा। ये चीनी वाले चावल हैं। मैंने आपके साथ पहले भी एक गुड़ और गाजर वाले चावल की रेसिपी शेयर करी थी, वो भी बहुत कमाल का टेस्ट बनता है, आप उसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये वाले तो बसंत पंचमी के लिए है ही, आप बनाइए खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। एकदम सादी वाली रेसिपी मैंने आपको बताई। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।